हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी सोचा है चलती ट्रेन का ड्राइवर अगर सो जाता है तो क्या होगा? अगर हम सोचे तो हमें ऐसा ही लगेगा कि अगर ड्राइवर सो जाएगा तो ट्रेन की दुर्घटना हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। ट्रेन में ऐसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अगर ट्रेन ड्राइवर को अचानक कुछ हो जाता है, जैसे हार्ट अटैक या दिन में या रात में नींद आ जाना, ऐसी स्थिति में ट्रेन को दुर्घटना से बचाया जा सकता है। लंबे रास्ते वाली ट्रेन होती है, उनमें ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर दोनों होते हैं। अगर ड्राइवर को कुछ होता है तो असिस्टेंट ड्राइवर हैंडल करके स्थानिक स्टेशन तक पहुंचाता है, पर मान लो अगर दोनों ड्राइवर चलती ट्रेन में सो गए तो ट्रेन में एक सिस्टम होता है जिसको विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस कहा जाता है। यह सिस्टम यदि ड्राइवर चलती ट्रेन के दौरान लगातार एक मिनट तक ट्रेन संचालन से संबंधित कुछ निश्चित गतिविधि, जैसे हॉर्न बजाना, स्पीड बढ़ाना घटाना या ब्रेक दबाना, ऐसे कुछ ट्रेन में सिस्टम होते हैं, उनमें से एक भी वह 60 सेकंड के अंदर नहीं करता है, ये उपकरण थोड़े सेकंड के बाद एक्टिव होकर ड्राइवर को ऑडियो के माध्यम से संकेत देकर सावधान कराता है, और उस वक्त ड्राइवर को कंफर्म करना होता है कि मैं जागृत अवस्था में हूँ या नहीं। अगर उसके बाद भी ड्राइवर कोई एक्शन नहीं लेता तो इस डिवाइस द्वारा ट्रेन में ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग लगना शुरू हो जाता है और लगभग 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के अंतर में ट्रेन रुक जाती है। यह तकनीक के आविष्कार से ट्रेन ऐसी स्थिति में सुरक्षित रहती है और बड़ी दुर्घटना नहीं होती। ड्राइवर का सो जाना ऐसे किस्से ज़्यादा नहीं होते, पर फिर भी हार्ट अटैक या ड्राइवर को अचानक कुछ हो जाता है उस वक्त ट्रेन को सुरक्षित रखा जा सके, रात के समय पर जिस ड्राइवर की ड्यूटी होती है उनको पर्याप्त नींद लेने की सलाह दी जाती है। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आया हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।